जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। बैक का पोज देते हुए आप लोग समझ चुके होंगे कि आज मेरा है बैक का वर्कआउट। तो जल्दी से यहाँ पे मैं अपना वार्म अप कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं कर रहा हूँ यहाँ पे बैंड ओवर रो फ्री बार से 10 रैप मैं करूँगा इसके। जैसे इसके यहाँ पे 10 रैप कंप्लीट कर लूँगा मैं तुरंत करूँगा यट्स रो, आप कह सकते हैं अंडर ग्रिप रो। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा भाई लोगों, बहुत ही तगड़ा वर्कआउट होने वाला है। मिलता हूँ सीधे आपसे पहले एक्सरसाइज में। चलिए सबसे पहले एक्सरसाइज हम करेंगे अपनी बेंड ओवर रो। अब इसे करते समय हमारे कुछ भाई लोग क्या करते हैं, ज़्यादा आगे की तरफ ज़्यादा झुक जाते हैं, बट हमें आगे की तरफ ज़्यादा झुकना नहीं है। हमें कितना करना है, कैसे करना है आप देख लीजिए। हमें बस इतना सा झुकना है, सिर्फ इतना सा, फिर हमें अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। आप इस तरह से करके देखना भाइयों, आप खुद फील करेंगे कि आपकी बैक अच्छे से एंगेज हो रही है। जैसे इसके यहाँ पे मैं 10 रैप कर लूँगा, फिर अपने ग्रिप को करूँगा अंडर ग्रिप, इसके भी करूँगा यहाँ पे 10 रैप। ऐसे हो जाएंगे मेरे 10 और 10 20 रैप। नंबर ऑफ सेट मैं करूँगा टोटल 4। रेपिटेशन करने वाला हूँ यहाँ पे 20 18 16 और 14 के साथ। मैंने अपना दूसरा सेट कंप्लीट कर लिया था, ये मेरा तीसरा सेट है। यहाँ पे वेट मैंने रखा है 40 किलो। आप मेरी पोजीशन देख लीजिए एक बार फिर से, बैक की तरफ से इतना ही बेंड होना है आपको। इसके मैं करूँगा 8 रैप। जैसे 8 रैप हो जाएंगे तुरंत अपने ग्रिप को करूँगा अंडर ग्रिप, इसके भी करूँगा यहाँ पे 8 रैप। टोटल रैप हो जाएंगे मेरे 16। अब करेंगे अपनी सेकंड एक्सरसाइज लैट पुल डाउन मशीन में। एक्सरसाइज हम करने वाले हैं यहाँ पे न्यूट्रल ग्रिप लैट पुल डाउन। न्यूट्रल ग्रिप लैट पुल डाउन करते समय एक बात का ध्यान दीजिएगा, जब भी आप बार को नीचे लेके आएंगे तो अपनी एल्बो एकदम स्ट्रेट रखेंगे। जब भी आप बार को रिलीज करेंगे तो अपने लैट्स को पूरा कपड़ा खोल कर रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से हमारे लैट्स में बहुत अच्छा वाला मसल टेंशन बैठेगा। नंबर ऑफ सेट में करूंगा टोटल 4। रेपिटेशन करने वाला हूँ यहाँ पे 15 12 10 और 8 के साथ। अब मैं करूंगा इसी का दूसरा सेट। मैंने यहाँ पर टी शर्ट उतार ली है, मैं देखना चाहता हूँ कि इसे करते समय मेरे लैट्स अच्छे से एंगेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नंबर ऑफ रैप मैं करूँगा टोटल 12। इसे करते समय मैंने अपनी लोअर बैक को टाइट कर लिया है, और जब भी मैं बार को रिलीज़ कर रहा हूँ तो रिलीज़ करूँगा धीरे धीरे, जिसकी वजह से मेरे लैट्स बहुत अच्छे से एंगेज हो रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे लैट्स कितने अच्छे से एंगेज हो रहे हैं यहाँ पे। अब मैं करूंगा अपनी थर्ड एक्सरसाइज नीलिंग सिंगल आर्म केबल रो। ये सीटेड केबल रो की तरह एक्सरसाइज है, जैसे हम सिंगल आर्म करते हैं उसी तरह से हमें परफॉर्म करनी है यहाँ पे। नंबर ऑफ सेट मैं करूंगा टोटल 4। रेपिटेशन करने वाला हूँ ईच हैंड 15 12 10 और 8 के साथ। अब मैं करूंगा अपनी फोर्थ एक्सरसाइज स्ट्रेट आर्म रो पुल डाउन। इसे करते समय आप सभी को अपनी लोअर बैक एकदम स्ट्रेट रखनी है, देन फिर एक्सरसाइज को परफॉर्म करनी है। और याद रखें, जब भी आप रोप को नीचे लेते आएंगे तो अपनी अपर बैक को उठाएंगे कुछ इस तरह से, और जब भी आप रोप को रिलीज़ करेंगे तो स्लोली रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से हमारे लैट्स में मसल टेंशन बहुत अच्छे से बैठेगा। नंबर ऑफ सेट मैं करूँगा टोटल 4। रेपिटेशन करूँगा 15 12 10। लेकिन जो चौथा सेट मेरा रहेगा वो रहेगा मेरा ड्रॉप सेट। आप अगली वीडियो में देखना ड्रॉप सेट रहेगा मेरा, कैसे करूंगा कितने कितने रैप निकालूंगा सारी वीडियो में बताया गया है। चलो करते हैं अपना चौथा सेट। जैसे आपको मैंने बताया था चौथा सेट मेरा रहेगा ड्रॉप सेट,
तो राहुल यहाँ पे तैयार बैठा है ड्रॉप सेट करवाने के लिए। पहले सेट मैं करूँगा यहाँ पे, देखता हूँ कितने रैप निकालूंगा। 2, 3, 4, 5, 6 पहले सेट में निकाले मैंने यहाँ पे 6 रैप, फिर करे 2 प्लेट कम। अब मैं निकालूंगा यहाँ पे 8 से 10 के बीच में रैप। इसे करते समय आप देख लीजिए एक बार मेरे लैड्स कितने अच्छे से एंगेज हो रहे हैं। ऐसे मैं करूँगा 1 प्लेट कम, फिर मैं करूँगा इसका तीसरा सेट, उसके रेपिटेशन करूँगा यहाँ पे 10 से लेके 12 के बीच में। फिर मैं करूँगा 1 प्लेट और कम, वो रहेगा मेरा फेलियर रैप। जितने मर्जी रैप निकालूँ 10, 12, 15। अब करता हूँ अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज साइड केबल लैट पुल। इसे करते समय आप अपनी एल्बो को एकदम स्ट्रेट करेंगे जब भी आप केबल को नीचे की तरफ लेते हुए आएंगे, जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, कुछ इसी तरह आपको परफॉर्म करना है। और जब भी आप केबल को रिलीज करेंगे ऊपर की तरफ तो अपने लैट्स को अच्छे से स्ट्रेच करते हुए, अच्छे से खोलते हुए रिलीज करेंगे केबल को, जिसके वजह से हमारे मसल टेंशन बहुत अच्छे बैठेगा। नंबर ऑफ सेट मैं करूँगा टोटल 4, रेपिटेशन करने वाला हूँ यहाँ पे 15, 12, 10, लेकिन चौथा सेट में रहने वाला है यहाँ पे ड्रॉप सेट। अब मैं करूँगा इसका चौथा सेट, मतलब ड्रॉप सेट। यहाँ पे मैंने टी शर्ट उतार लिया सिर्फ ये देखने के लिए, इसे करते हुए मेरे लैट्स अच्छे से एंगेज हो रहे या नहीं हो रहे। रैप मैं करूँगा इसमें 2, 3, 4 रैप करे, फिर 1 मिनट कम करी, फिर मैं करूँगा 1, 2, 3, 4 फिर 1 मिनट कम करूँगा, इसके करूँगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये रहेगा मेरा लास्ट सिंगल हैंड से। फिर इसके बाद मैं करूँगा दूसरे हाथ से अपने। भाइयों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसे करते हुए मेरे लैट्स अच्छे से एंगेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इस वर्कआउट को आप अपने नॉर्मल बैक वर्कआउट में ऐड ऑन करके देखना भाइयों, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, बहुत ही तगड़े वाले रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। अब मैं करूंगा अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन। एक बार आप मेरी ग्रिपिंग देख लीजिए, इतनी क्लोज रखनी है आपको ग्रिपिंग अपनी। ये रहेगा मेरा सुपर सेट, या आप कह सकते हैं इसको पिरामिड सेट। पहले मैं करूंगा इतने क्लोज ग्रिप में 15 रैप, लोअर बैक को टाइट करते हुए। बार को जब भी रिलीज कर रहा हूँ तो स्लोली रिलीज कर रहा हूँ, बार को जब नीचे की तरफ लेते हुए आ रहा हूँ तो अपने लैट्स को अच्छे से स्क्वीज कर रहा हूँ।
पहले मैं करूंगा इसके 15 रैप, ठीक है। जैसे 15 रैप हो जाएंगे मेरे, फिर मैं अपने ग्रिप को करूंगा थोड़ा सा वाइड, इसके भी करूंगा यहाँ पे 15 रैप। भाइयों इससे क्या होगा ना, इससे एक तो हमारी बैक बहुत तगड़ी बनेगी, दूसरा हमारे फोर आर्म्स भी लोड आएगा। तो इसे आप करके देखना अपने वर्कआउट वाले दिन, मजा आ जाएगा भाइयों। इसके भी करूंगा यहाँ पे 15 रैप। जैसे 15 रैप यहाँ पे कंप्लीट हो गए, मैंने अपने हाथों ग्रिप को करा एकदम पूरा वाइड, जैसे हम नॉर्मल लैट पुल डाउन मारते हैं ना, उतने हमने वाइड को लिया हाथ को। इसके भी करूंगा यहाँ पे 15 रैप। ऐसे मैं करूंगा टोटल 3 सेट, लेकिन जो 3 सेट मेरे होंगे उसमें मैं वेट बढ़ाऊंगा। तो वेट जब बढ़ेगा तो आप सभी को पता है कि रेपिटेशन हमारे कम हो जाएंगे। तो रेपिटेशन करूंगा मैं 15, 12, 10, पहले 15 क्लोज एकदम, फिर 15 थोड़ा सा वाइड करके, फिर 15 पूरा वाइड करके, ऐसे सेम 12, 12, 12, फिर 10, 10, 10। इसी का मैं करूंगा दूसरा सेट, लेकिन टी शर्ट उतार के करूंगा। यार मैं भी तो देख लूँ इसे करते हुए मेरी बैक में थिकनेस आ रही है या नहीं आ रही है, या मेरे लैट्स अच्छे से एंगेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब मैं करूंगा अपनी लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाइपर एक्सटेंशन, या आप कह सकते हैं बैक एक्सटेंशन। इसके भी करूंगा नंबर ऑफ सेट टोटल 4 रेपिटेशन, 15, 15, 15 के टोटल, चारों सेट 15 के। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।